मैं डॉक्टर सरिता चंद्रवंशी, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, पंडित सुंदरलाल शर्मा, मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर। आज का हमारा विषय है राइबोसोम। लगभग 200 ए व्यास का एक अंतरकोशिकीय अंग जिसमें आरएनए और प्रोटीन होता है। प्रोकैरियोटिव प्लांट एंड एनिमल में स्थित राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण के लिए एक साइट प्रदान करते हैं। कोशिकाओं में अन्य अंगों के विपरीत राइबोसोम में कोई झिल्ली नहीं होती है। राइबोसोम सभी जीवित कोशिकाओं में प्रोटीन संश्लेषण के लिए माना जाता है, जो संरचना उस स्थान के रूप में कार्य करती है जहां एमिनो एसिड पॉलीपेप्टाइड संरचना विकसित होती है, साथ में जुड़े भी होते हैं। प्रोटीन संश्लेषण में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। सबसे महत्वपूर्ण सेलुलर आर्गन में होने वाले परिवर्तन में राइबोसोम की कार्य सबसे महत्वपूर्ण होती है। सबसे पहले राइबोसोम का आविष्कार किसने किया था? क्लाउड ने 1941 में सबसे पहले राइबोसोम का अवलोकन किया। राइबन और ब्राउन ने 1953 में पहली बार जानवरों और पौधों की कोशिकाओं में इसका पता लगाया। अब हम देखते हैं अवलोकन राइबोसोम के बारे में, उसके अवलोकन कैसे किए गए। इसमें दो उप इकाई होती है, एक बड़ी और एक छोटी, जिसमें प्रत्येक में केवल प्रोटीन और आरएनए होता है। राइबोसोम 40% प्रोटीन, 70 विभिन्न प्रोटीनों और 60% आरएनए से बने होते हैं। प्रत्येक सब यूनिट में एक या दो बहुत बड़े आरएनए अणु होते हैं। राइबोसोम आरएनए का एकाधिक छोटे अणु और बड़े अणु को विकसित करते हैं। राइबोसोम की लोकेशन, अब हम देखते हैं राइबोसोम का लोकेशन कहाँ पे पाया जाता है। राइबोसोम मुफ्त राइबोसोम सभी कोशिकाओं में और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स और क्लोरोप्लास्ट में भी होते हैं। जैसे हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में राइबोसोम मैट्रिक्स के अंतर्गत माइटोकॉन्ड्रिया में भी राइबोसोम विकसित होती है, जो मैट्रिक्स के रूप में भरा रहता है। वे तरल रूप से स्वतंत्र होते हैं और कोशिकाओं के भीतर किसी भी पदार्थ से बंधे नहीं होते हैं। सेकंड है मेम्ब्रेन ब्राउन राइबोसोम। अधिकांश राइबोसोम रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की झिल्ली या परमाणु आवरण से जुड़े होते हैं। स्ट्रक्चर, राइबोसोम दो उप इकाइयों से बना होता है, एक है बड़ी संरचना और सेकंड है छोटी संरचना। जो राइबोसोम आरएनए और प्रोटीन अणु से बनी होती है वो क्या है, यूकैरियोटिक सेल में। जैसे कि जानवरों, पौधों और कवकों में राइबोसोम आमतौर पर साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। बैक्टीरिया जैसी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में राइबोसोम साइटोप्लाज्म के साथ साथ कोशिकाओं के आंतरिक भाग में भी पाए जाते हैं, जिसमें अक्सर न्यूक्लियोटाइड विकसित होती है। इसका सब यूनिट पढ़ेंगे, तो सब यूनिट कौन कौन से है राइबोसोम में। 30A सब यूनिट या राड जैसी होती है, जिसका वजन लगभग 1 मिलियन डाल्टन होता है। यह 16S आर स्मॉल आर आरएनए और 21 प्रोटीन के बने होते हैं। राइबोसोम के प्रकार, राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, पहला है फ्री राइबोसोम और सेकंड है बॉन्ड राइबोसोम। फ्री राइबोसोम साइटोप्लाज्म में स्थित होते हैं और प्रोटीन को संश्लेषित करते हैं, जिसका उपयोग कोशिकाओं के भीतर में किया जाता है। ये कौन से टाइप का है, पहला फ्री राइबोसोम, सेकंड है बॉन्ड राइबोसोम। बॉन्ड राइबोसोम कौन सा है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो रेटिकुलम से जुड़े होते हैं और प्रोटीन को संश्लेषित करने के लिए जिम्मेदार होते हैं, जो कोशिकाओं से निर्यात होते हैं या कोशिका झिल्ली में शामिल होते हैं। प्रोकैरियोटिव या 70S राइबोसोम, प्रोकैरियोटिव में 70S राइबोसोम होते हैं। प्रत्येक में एक छोटा 30S और एक बड़ा 50S सब यूनिट, दोनों मिलके कितना हुआ 70S राइबोसोम, 30 और 50 जो कि इसमें पाया जाता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में। राइबोसोम व्यास 18 nm और वजन
2.8 मिलियन डाल्टन होता है। 50S सब यूनिट राइबोसोम कैसा रहता है? गोलाकार। 3 उभार होते हैं और वजन लगभग 1.8 मिलियन होता है। डाल्टन यह 23S आरएनए, 55S आरएनए और 30 प्रोटीन से बने होते हैं। कितने प्रोटीन से बने होते हैं? 30 प्रोटीन से बने होते हैं। ये कौन से सेल है? प्रोकैरियोटिक सेल। राइबोसोम या यूकैरियोटिक राइबोसोम, पहले हम कौन से पढ़े? प्रोकैरियोटिक राइबोसोम, अब हम पढ़ेंगे राइबोसोम यूकैरियोटिक राइबोसोम। यूकैरियोटिक में 80S राइबोसोम होते हैं, प्रत्येक में एक छोटे 40S और बड़ी 60S सब यूनिट होती है। 40S सब यूनिट यह चपटा और आकार में घुमावदार होती है। यह 18S आरएनए और 33 प्रोटीन से बना होता है। 60S सब यूनिट में 5.8S और 28.5 आरएनए और 49 प्रोटीन एक एक अणु बने होते हैं। प्रोकैरियोटिक में 30 प्रोटीन बने होते हैं और यूकैरियोटिक में 80 प्रोटीन बने होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया राइबोसोम के अंदर राइबोसोम कितने मात्रा में प्रोटीन संश्लेषण करते हैं उसके बारे में अब देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया राइबोसोम या मीटोराइबोसोम विभिन्न प्रकार के रूपों में पाए जाते हैं, जैसे सुअर, गाय। 555 से 60S 555 मीटोराइबोसोम में एक छोटी 30S सब यूनिट और एक बड़ी 40S आरएनए होती है। मीटोराइबोसोम बैक्टीरिया राइबोसोम की तरह व्यवहार करते हैं क्योंकि उन्हें स्थिरीकरण के लिए Mg++ की अपेक्षाकृत उच्च सांद्रता की आवश्यकता होती है। मीटोराइबोसोम की छोटी सब यूनिट में 12-13 sRNA होता है और बड़ी सब यूनिट में 16-17 sRNA होती है। माइटोकॉन्ड्रिया राइबोसोम आरएनए में तुलनात्मक रूप से कम G+C सामग्री होती है। पशु मिंटो राइबोसोम प्रोटीन से भरपूर होते हैं, जैसे एनिमल में मिंटो राइबोसोम की मात्रा सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट है क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया। क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाता है? पादप कोशिकाओं के क्लोरोप्लास्ट राइबोसोम का अवसादन गुणांक 70S होता है और यह सब यूनिट 30S और 50S में विभाजित होता है। क्लोरोप्लास्ट राइबोसोम में आरएनए के 3 प्रमुख वर्ग होते हैं, छोटी सब यूनिट में 16S और बड़ी सब यूनिट में 23S और 5S होती है। राइबोसोम की 2 उप इकाई का बंधन प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है, विशेष रूप से अनुवाद के दौरान राइबोसोम सेलुलर संरचनाएं हैं जो mRNA से जेनेटिक कोड को प्रोटीन में अनुवाद करने के लिए जिम्मेदार है। राइबोसोम में 2 सब यूनिट होते हैं, एक है स्मॉल सब यूनिट और सेकंड है लार्ज सब यूनिट। बैक्टीरिया जैसे प्रोकैरियोट्स में उन उप इकाइयों को या सब यूनिट को 30S छोटी और 50S बड़ी उप इकाइयों के रूप में नामित किया जाता है, जबकि मनुष्यों की तरह यूकैरियोटिक में उन्हें 40S छोटी और 60S बड़ी उप इकाई में बांटा गया है। राइबोसोम के आरंभ कैसे होती है? प्रक्रिया छोटी राइबोसोम सब यूनिट से शुरू होती है जो शुरू में बड़ी सब यूनिट से अलग होती है। छोटी सब यूनिट mRNA स्टैंड पर स्टार्ट कोड AUG को खोजने में भूमिका निभाती है। बॉन्डिंग अब mRNA अणु राइबोसोमल बाइंडिंग साइट पर छोटे राइबोसोम सब यूनिट से जुड़ता है। इस साइट को प्रोकैरियोट्स में साइन डेलगार्नो अनुक्रम या यूकैरियोट्स में 5 अनुवादी क्षेत्र या 5UTR के रूप में भी जाना जाता है। राइबोसोम में tRNA की एंट्री कैसी होती है? सबसे पहले अमीनो एसिड यूकैरियोटिक में या फार्मिनो मेथिनो प्रोकैरियोटिक में ले जाने वाला सर्जक
टीआरएनए पी साइट पेप्टाइड टीआरएनए साइट के भीतर स्थित एमआरएनए पर शुरुआती कोडन से जुड़ जाता है जो छोटी उप इकाई से क्रिया करती है। नेक्स्ट है लार्ज सब यूनिट ज्वाइन, छोटे सब यूनिट और एमआरएनए के साथ आरंभिक कॉम्प्लेक्स बनने के बाद बड़ा राइबोसोम सब यूनिट कॉम्प्लेक्स से जुड़ जाता है जिससे एक पूरी तरह कार्यात्मक राइबोसोम बनता है। प्रोकैरियोट्स में इसमें 50 एस सब यूनिट और 30 एस सब यूनिट में शामिल होता है जबकि यूकैरियोटिक में यह 60 एस सब यूनिट और 40 एस सब यूनिट में शामिल होता है। ये किस में होता है? प्रोकैरियोटिक सेल में। इसके बढ़ाव राइबोसोम में जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है उसके बारे में अब स्टडी करते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस दो राइबोसोम सब यूनिट के साथ राइबोसोम एमआरएनए स्टैंड के साथ आगे बढ़ने में सक्षम है, कोडन को क्रम में पढ़ता है और टीआरएनए अणुओं द्वारा किए गए अमीनो एसिड के बीच पेप्टाइड बांड के गठन को उत्प्रेरित करता है। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहता है जब तक कि एक स्टॉप कोड सामना ना हो जाए जिससे बिंदु पर प्रोटीन संश्लेषण समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट है विघटन, प्रोटीन संश्लेषण पूरा होने के बाद राइबोसोम सब यूनिट अलग हो जाते हैं और छोटे और बड़े सब यूनिट एक दूसरे प्रोटीन सिंथेसिस में भाग लेने के लिए तैयार होते हैं। अब देखते हैं राइबोसोम के कार्य। राइबोसोम अनुवाद की प्रक्रिया में एक केंद्रीय भूमिका निभाते हैं जो मैसेंजर आरएनए या एमआरएनए के एनकोड की गई जानकारी के आधार पर प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। अनुवाद के दौरान राइबोसोम एम आरएनए द्वारा किए गए अनुवांशिक कोड को पढ़ते हैं और एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बनाने के लिए कोड अनुक्रम में अमीनो एसिड को इकट्ठा करते हैं जो अंततः एक कार्यात्मक प्रोटीन में बदल जाता है। प्रोटीन संश्लेषण दो मुख्य चरणों में होता है, पहला है आरंभ, दूसरा है समाप्ति। आरंभ के दौरान स्मॉल और लार्ज राइबोसोम सब यूनिट एमआरएनए स्टैंडर्ड पर एक साथ आते हैं जिसमें एक कार्यात्मक राइबोसोम बनता है और समाप्ति में राइबोसोम एमआरएनए के साथ चलता है। कोडन 3 न्यूक्लियोटाइड के समूह को बढ़ाता है और संबंधित अमीनो एसिड ले जाने के लिए टीआरएनए अणुओं के बंधन को सुविधाजनक बनाता है। ये अमीनो एसिड एक साथ जुड़कर बढ़ती है, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बनाते हैं। समाप्ति तब होती है जब राइबोसोम एमआरएनए एक स्टॉप कोडन का सामना करता है जो प्रोटीन संश्लेषण के संकेत को देता है। देखिए स्ट्रक्चर से समझ आ जा रहा है कि कहां पहले कहां से शुरू हुआ है, टीआरएनए से। टीआरएनए से एमआरएनए हुआ, फिर लार्ज सब यूनिट राइबोसोम, फिर स्मॉलर सब यूनिट राइबोसोम। ए ये कितने का साइड हो गया, ये ए साइड में जब प्रारंभ हुआ टीआरएनए कैसे बना एमआरएनए, फिर स्मॉलर सब यूनिट आप आरएनए, फिर लार्ज सब यूनिट आप राइबोसोम, फिर है देखिए बी में कैसे बना ए साइड पॉलीपेप्टाइड लिंक, ई साइड ए साइड, फिर हो गया पॉलीपेप्टाइड चैन, पॉलीपेप्टाइड के बाद क्या हो गया लास्ट टीआरएनए रिलेटेड एमआरएनए। अब है एंटीबायोटिक राइबोसोम। एंटीबायोटिक राइबोसोम क्या चीज है? कुछ एंटीबायोटिक जैसे टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन बैक्टीरिया कोशिकाओं में राइबोसोम को लज्जित करती है। बैक्टीरिया राइबोसोम से जुड़कर और प्रोटीन संश्लेषण को रोककर ये एंटीबायोटिक बैक्टीरिया के विकास और प्रजनन को प्रभावित ढंग से रोक सकते हैं जिसमें वे बैक्टीरिया संक्रमण के इलाज के लिए मूल्यवान